न्यूज आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। कोरचा मानपुर रोड पर यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में आईटीबीपी कांस्टेबल घायल हो गया है। राजनांदगांव में आज मतदान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें से राजनांदगांव एक है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ये इलाका है और रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह अभी वहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह एक नए चेहरे को उतारा गया है। उसी राजनांदगांव में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हिंसा का दौर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता शिशुपाल की हत्या हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है हत्या का आरोप। बड़ी सनसनीखेज ये खबर है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है, और ये आरोप जो लगाया वो टीएमसी कार्यकर्ताओं पे लगा है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि किस तरह से सीपीएम के मोहम्मद सलीम पर भी हमला हुआ, और अब पश्चिम बंगाल से दूसरी खबर आ रही है हिंसा की। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। हम बात करेंगे उन 95 सीटों की जहां पर इस वक्त मतदान चल रहा है।